32-35 मुकदमे अभी तक दर्ज कर चुके हैं वो। वो तो कोई सरकार के लिए कोई बात ही नहीं है, मुकदमे दर्ज करा के वो डराना चाहती है। सरकार ये कहती है कि हम इस आंदोलन के पैरेलल रैलियां करेंगे, इस आंदोलन के पैरेलल रैलियां करके हम आंदोलन को दबाएंगे, फिर लोगों में आक्रोश जागना स्वाभाविक है। उनका फैसला ही गलत था, किसान पंचायत करने का हरियाणा में फैसला ही गलत था। मैं जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा है, सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया और फिर इस तरह से कमेटी का बनवाना, उन लोगों को शामिल करवाना जो लोग पहले से इन कानूनों के पक्ष में, क्या दर्शाता है ये? इस आंदोलन को सरकार के माध्यम से नहीं, कोर्ट के माध्यम से तार पीड़ो करवाना। जथेबंदियों के वालों खेती कानूनों दियां कापियां साड़ के लोहड़ी मनाई जा रही है, सरकार के खिलाफ रोस जताया जा रहा है। साडे नाल गुरनाम सिंह चडूनी जी ने, हरियाणा के किसान आगू ने, प्रधान ने, एक यूनियन की गलबात करते हैं। चडूनी जी, अज खेती कानूनों दियां कापियां साड़ियां, रोस जताया सरकार के खिलाफ। देखिए, आज जो लोहड़ी का त्यौहार है वो एक रोस के रूप में मनाया गया है। जो कानून देश के ऊपर थोपे गए हैं, जिनका देश की जनता विरोध कर रही है और विरोध के बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है, तो इसलिए रोष स्वरूप वो कानूनों की कापियां जला के एक रोष जताया गया है। हरियाणा के विच तुहाडे ते भी परचा दर्ज किया गया, तुहानू भी नामजद किया गया सी, जदों 900 किसानों के परचे दर्ज होने करनाल दे विच। क्यों अजिहा कर रही है सरकार? जब तक उन्होंने प्रोग्राम नहीं रखने चाहिए जो कि किसानों के विच रोष आ सरकार। देखो, 30-32-35 मुकदमे अभी तक दर्ज कर चुके हैं वो। वो तो कोई सरकार के लिए कोई बात ही नहीं है, मुकदमे दर्ज करा के वो डराना चाहती है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि जब देश में आंदोलन चल रहा है, बड़ा आंदोलन चल रहा है, उनके स्टेट में चल रहा है, उसके बावजूद सरकार ये कहती है कि हम इस आंदोलन के पैरेलल रैलियां करेंगे, इस आंदोलन के पैरेलल रैलियां करके हम आंदोलन को दबाएंगे, फिर लोगों में आक्रोश जागना स्वाभाविक है। उनका फैसला ही गलत था, किसान पंचायत करने का हरियाणा में फैसला ही गलत था, और गलत फैसले का फिर गलत रिजल्ट उनके सामने आया। तो अब सरकार को ये बिल्कुल कोई रैली, कोई इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल उससे परहेज रखना चाहिए, और वरना उसका जनता का जो आक्रोश है वो और बढ़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, वो कहते भी किसानों को हूँ जो विरोध अपना बंद कर देना चाहिए, प्रोटेस्ट बंद करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गल माननी चाहिए। देखिए, उनकी क्या उनका कहें, वो तो एक तरह से जो है गुमराह करते हैं किसानों को। एक तरह से किसानों से जिस तरह से बात करनी चाहिए थी उस तरह से ना तो बात कर रहे हैं, और बात करते भी हैं तो केवल बात करने के लिए बात करते हैं, सुलटाने के लिए नहीं करते। और मुख्यमंत्री जी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के लोग तो इसमें शामिल ही नहीं हैं, इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो वो जो है वो मैं ये मानता हूँ कि उनको जो भी बात करनी चाहिए थोड़ी संयम से करनी चाहिए। अब जो मैं जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा है, सुप्रीम कोर्ट में केस करवाया और फिर इस तरह से कमेटी का बनवाना, उन लोगों को शामिल करवाना जो लोग पहले से इन कानूनों के पक्ष में, क्या दर्शाता है ये? इस आंदोलन को सरकार के माध्यम से नहीं, कोर्ट के माध्यम से तार पीड़ो करवाना। बीजेपी के लीडर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अज एक कर्नाटका के MP का बयान आया, वो कहते जी ये किसान पीजे खाते हैं, बर्गर खाते हैं, KFC का खाना खाते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं। बीजेपी के MP का बयान, 300 ml की बोतल पानी की 100 रुपये की बोतल है जिड़ी पीते ने अंदर, वो वाजिब है? साढ़े जे असी इतने बर्गर खा लिया, किसी का दान किया हो, किसी की सेवा की, उन्होंने ढिड पीड़ हो गया। 26 जनवरी की प्लानिंग होने जथेबंदियां, 26 जनवरी हरियाणा तो किन्ने ट्रैक्टर आएंगे? देखिए, 26 जनवरी को जो है वो बहुत भारी संख्या में ट्रैक्टर आएंगे और बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे, बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद। ये सन हरियाणा के किसान आगू जो इस समय अज साडे नाल गलबात कर रहे सी, इन्होंने साफ कहा है कि सरकार कानून रद्द करे। नाल दी नाल इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी ताड़ना की है, जो हरियाणा के किसानों परचे दर्ज किए गए हैं। लगातार तुसी ग्लोबल पंजाब TV के जुड़े रहो, तुहानू पल पल की जानकारी देवांगे, हर आगू के नाल तुहाडी गलबात करवाउंदे रहांगे। दुनिया में हर पल किते ना किते कुछ ना कुछ वापरदा रहिंदा है। असी रिश्वत दे के काम करवाउणा ठीक समझते हैं, असी चोणां समें अखां बंद करके लीडर चुनते हैं, लोग विरोधी कानून बन जाते हैं, पर असी बेखबर होंगे, दंगे होंगे ने,
बलात्कार हुंदे ने, स्कैंडल हुंदे ने, लोकतंत्र विलकण लगदा है। चलंत मुद्दियां दी तह तक जाया करांगे, सुत्तियां नू जगाया करांगे, झूठियां नू भजाया करांगे। देखो साडा खास प्रोग्राम चर्चा गली गली हर बुधवार तो शनिवार शाम 7:30 ईटी तुहाडे अपने ग्लोबल पंजाब टीवी ते। हुण तुसी देख सकदे हो ग्लोबल पंजाब टीवी नू। डाउनलोड करो साडी ऐप एंड्रॉयड जां आईओएस ते फ्री विच रोकू अते अमेज़न फायर टीवी ते जां एप्पल टीवी ते। नाल ही देख सकदे हो लाइव स्ट्रीमिंग www.globalpunjabtv.com ते।